बेरोजगार युवाओं को देते निःशुल्क प्रशिक्षण। भूतपूर्व सैनिक राहुल कुमार बेरोजगार युवाओं को निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं। उद्देश्य है कि ये युवा सेना और पुलिस में जाकर देश और राज्य की सेवा कर सकें। सही मार्गदर्शन पाकर हर साल दर्जन भर से अधिक युवाओं का सिलेक्शन हो जाता है। सैनिक के उद्देश्यों को जानने के लिए वरीय पत्रकार अरुण कुमार शाही ने उनसे बात की। आइए जानते हैं कि सैनिक ने क्या कहा। मेरा नाम हुआ पैरा कमांडो राहुल कुमार, भूतपूर्व सैनिक। मैं पिछले 5 साल से इन बच्चों को निस्वार्थ रूप से, जो बच्चे में टैलेंट है लेकिन किसी वजह से सही मार्गदर्शन के अभाव में जो नहीं कर पाते हैं, नहीं स्कोर कर पाते हैं, उन बच्चों को हम सुबह फिजिकल की ट्रेनिंग सुबह शाम देते हैं और दे करके उनको सही जगह पर पहुँचाते हैं, जिसमें डिफरेंट आर्मी, बिहार पुलिस, RPF, SSGD सभी फोर्सों में अभी तक बहुत सारे बिहार दरोगा से लेकर कांस्टेबल से लेकर के सभी में बच्चे और बच्चियां सफल हो चुके हैं और जा चुके हैं। इसमें मेरा उद्देश्य ये रहता है कि जिन बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं मिला है उसको मार्गदर्शन दे करके उनको रोजगार के सही जगह पर पहुँचाया जा सके। इस बेरोजगारी के समय में जहाँ पे बच्चों को सही मार्गदर्शन और के अभाव में अपने जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं, जॉब नहीं मिल पाता है, उनको अपने भविष्य का जो सही जगह मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, यही हम उसको सही जगह, यही आपका उद्देश्य है कि बेरोजगारी को दूर, उन लोगों को रोजगार में शामिल हो, जॉब मिले, जी सर, यही आपका प्रयास है इनके साथ। ये कितने दिन से आपका ये चल रहा है? सर लगभग 5 साल से चल रहा है। लगभग 5 वर्षों से? जी सर। तो इसमें कितने लोग को अभी तक रोजगार मिल चुके होंगे? सर इसकी गिनती तो नहीं है लेकिन हमको लगता है कि इसकी संख्या 50 से ऊपर होगी सर अब तक, मतलब प्रत्येक ईयर मोटा मोटी 10 से 12? जी जी, इससे ज़्यादा जाते हैं सर, 10 क्या 10 से ऊपर ही हो जाते हैं। अच्छा, कितने स्टूडेंट आपके साथ प्रशिक्षण में शामिल होते हैं? एवरेज 50 के आसपास रहते हैं। अच्छा अच्छा, कभी ज़्यादा भी होते हैं, इस कोरोना काल में बच्चे कम हुए हैं और इस साल भी दौर में निकाले भी हैं कुछ बच्चे, मेडिकल जो हुआ है इस बहाली में उसमें रेफर किए गए हैं, उसमें हैं, और कुछ बच्चों को शारीरिक मापदंड में छांट दिया गया था जो कि एक्चुअल 2 साल। अच्छा, ये जो प्रशिक्षण आप देते हैं इसमें भी कोई आपका करेक्ट आइडिया है कि इस तरह के इतने लंबाई चौड़ाई या इतने योग्यता वाले लोग ही इसमें? जी सर, हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं तो रखने का 2 मापदंड है। अच्छा, उस मापदंड में पैरामीटर में फिट होते हैं तभी हम रखते हैं। अच्छा। सबसे पहला चीज होता है कि उसकी शैक्षणिक योग्यता। अच्छा, किसी भी विभाग में होने के लायक उसकी शैक्षणिक योग्यता है तभी हम रखते हैं। अच्छा। नहीं तो ऐसे नहीं रखते हम। जैसे उसकी मार्क्स जो है मैट्रिक में फुलफिल करने चाहिए, मैक्सिमम जो उसका टोटल मार्क्स है, मतलब सभी चीज को देखते हैं, मानक को देखते हैं, लेकिन शिक्षा बहुत जरूरी है, इसके बाद आप फिजिकल ट्रेनिंग उनको। पहली शैक्षणिक योग्यता, दूसरी होती है कि शारीरिक मापदंड, उसको हम पहले ही रखने से पहले मेजर कर लेते हैं कि इसकी हाइट उसके हिसाब से फुलफिल कर रहा है कि नहीं, उसके शारीरिक कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है जो कि मेडिकल में जाकर छड़ जाए, होने वाला जो होता है उसी को रखते हैं। और इसके साथ ही ये भी देख लेते हैं कि किसी बच्चे का, सपोज कीजिए कि एयरफोर्स में होने वाला है, एयरफोर्स के लिए 16.5 से 19 साल का एज है, तो उस बच्चे को कहें कि बाबू तुम एयरफोर्स के लिए तैयारी कर लो, नेवी के लिए कर लो, या NDA के लिए कर लो, या फिर कोई ऐसा बच्चा है जो हमारे पास पहुंचता है कि 10+2 में जिसकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ 70% से ऊपर स्कोरिंग है, तो उस बच्चे का TES टेक्निकल इंट्री स्कीम जिसमें कि उस वो डायरेक्ट फॉर्म भरता है तो SSB में जा सकता है। चलिए, ये सब भी उसकी करियर गाइडलाइन जो होते हैं वो कर पाते हैं कि तुम इस तरफ जा सकते हो, तुम्हारे लिए ये स्कोर अच्छा है, तो ऐसे भी काम को करते हैं हमारे पास। चलिए, धन्यवाद।